कपिल शर्मा को लेकर एक गुड न्यूज़ सामने आ रही है। खबर है कि वो कॉमेडी एक्टर जिसका पूरा भारत इंतजार कर रहा था, वो कॉमेडी एक्टर जिसने अपनी कॉमेडी से लाखों लोगों के दिल जीत लिए थे, वही कॉमेडी एक्टर अब शो में कमबैक कर रहा है। जी हाँ, दी कपिल शर्मा शो से शोहरत पाने वाले कॉमेडियन कृष्णा अभिषेक अब शो में वापसी कर रहा है। जब से कपिल शर्मा नए सीजन के साथ वापिस आए हैं, तब से शो काफी चर्चाओं में है, क्योंकि नए सीजन में पुराने कॉमेडियन की जगह अब नए कॉमेडियन को रखा गया है, जिसमें से भारती सिंह, चंदू चायवाला और कृष्णा अभिषेक को भी शो से हटा दिया गया था। ये बात भी सामने आ रही थी कि कृष्णा का शो के मेकर्स के साथ फीस की वजह से झगड़ा हो गया था। खबर थी कि कृष्णा अपनी फीस बढ़ाना चाहता था और मेकर्स फीस बढ़ाने के लिए तो कतई तैयार नहीं थे, लेकिन हाल ही में इन सारी अफवाहों पर कृष्णा अभिषेक ने बात की है। दरअसल ई टाइम से बात करते हुए कृष्णा ने बताया, ये दिल की तब्दीली नहीं है बल्कि कॉन्ट्रैक्ट की तब्दीली है। कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से कई वजूहत थी, इसमें फंडिंग भी शामिल थी, लेकिन अब ये सारे मसले हल हो गए हैं। ये शो और चैनल एक फैमिली की तरह है और मैं शो में वापस आने के लिए बहुत खुश हूँ। सपना की एंट्री को शामिल करना ठीक रहेगा। घर का भोला शाम को घर पर लौट आए तो उसे भोला नहीं कहा जाता। ये एक वही वाला हिसाब है। चैनल और मेकर्स के साथ मेरा गहरा ताल्लुक है। ये ताल्लुक इतना गहरा और इतना पुख्ता है कि जिसकी वजह से मैं शो में वापस आ गया हूँ। कृष्णा अभिषेक ने सेट पर वापस आने के हवाले से बात करते हुए कहा, कपिल शर्मा के सेट पर उनके साथियों ने मेरा जबरदस्त स्वागत किया था। कीकू ने तो मुझे देखते ही गले लगा लिया था। मैंने अर्चना पोरन सिंह से फोन पर बात की थी और वो भी मेरे कमबैक पर बहुत खुश थी। कपिल भी बहुत खुश थे और उन्होंने मेरा भरपूर स्वागत किया था। जैसा कि मैंने अपने आखिरी इंटरव्यू में कहा था कि कोई दुश्मनी या मुकाबला नहीं है और हम अपनी स्क्रिप्ट पर काम करने के लिए एक साथ बैठे हैं और हम अब भी एक दूसरे के साथ हैं। कपिल ने तो मेरे लिए जोक्स बना के रखे हैं और वो चाहते हैं कि मैं शो में सपना बनकर उन जोक्स को बोलूं। आखिर में जब कॉमेडियन से पूछा गया कि वो शो से ऑफ एयर क्यों हुए थे तो उन्होंने ये कहते हुए कहा, अमेरिका का ट्रेवल अभी तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं भी सड़क के किनारे तक शो का हिस्सा रहूंगा और मैं इस बार भी इस शो का हिस्सा रहूंगा। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या कृष्णा अब सच में दी कपिल शर्मा शो का हिस्सा बनेंगे या नहीं, हमें कमेंट करके बताएं। और भी बॉलीवुड से जुड़ी अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।